नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार फटाफट। गोरखपुर के श्रद्धालु सावन में गंगोत्री के जल से करेंगे बाबा भोलेनाथ का अभिषेक। डाक विभाग ने 20 मंदिरों की बनाई सूची जहां उपलब्ध होगा गंगोत्री का गंगा जल। जम्मू से कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना। LG मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। भक्तों ने भोले के जयकारों के साथ शुरू की यात्रा। पीएम मोदी ने बाइडेन को गिफ्ट में दिए पूसा 1121 चावल। अमेरिका में बढ़ी उत्तराखंड के चावल की मांग। यूपी के आगरा में श्रीनाथ रसोई का अनूठा प्रयास। जरूरतमंद लोग मात्र 10 रुपए में खा सकते हैं भरपेट भोजन। बिना किसी सरकारी मदद से चलती है श्रीनाथ जी की रसोई। उनके प्रयास के लोग कर रहे हैं प्रशंसा। कई प्रदेशों में गूंज रही है यूपी के अलीगढ़ में बने घुंघरुओं की झनकार। देश के हर कोने से आ रहे हैं घुंघरुओं के ऑर्डर। व्यापारियों में खुशी का वातावरण। यूपी के चंदौली के रहने वाले परमेश्वर कुमार बने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में भूवैज्ञानिक। वर्तमान में IIT धनबाद से कर रहे हैं PhD। पूरे गांव में खुशी का वातावरण। यूपी के मिर्जापुर ITI सेंटर में टाटा की सहायता से तैयार होंगे रोबोट ठीक करने वाले डॉक्टर। वर्तमान में रोबोट, इलेक्ट्रिक इंजन, ऑटोमेटिक मशीनों के मैकेनिकों की बढ़ी मांग। सृजित होंगे रोजगार के नए अवसर। आगरा के रहने वाले नवाब गुल चमन ने बकरीद के अवसर पर बकरे के चित्र वाला केक काटकर मनाया बकरीद का त्योहार। लोगों को जीव हत्या न करने का दिया संदेश। यूपी के बुलंदशहर में मिनरल वाटर से अधिक कीमत पर बिकता है गौमूत्र। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार गौमूत्र से बनाते हैं जैविक खाद और कीटनाशक। किसानों को हो रही है अतिरिक्त आय। यूपी के भरतपुर गांव की महिला प्रधान नीलम ने गढ़े विकास के साथ शिक्षा, सुरक्षा और स्वच्छता के नए मानक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर चुकी हैं सम्मानित। लोग कर रहे हैं उनके कार्यों की प्रशंसा। आज के समाचारों में बस इतना ही। हम फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।